कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुवीन कॉन्फ्रेंस नासिक की तरफ से जो है ये तुर्की और सीरिया के लिए जो है दवाओं की ज़रूरत थी, कुछ नगद रुपयों की ज़रूरत थी, तो हम लोग जो है दिल्ली के जो ज़िम्मेदार हैं ऑल इंडिया मुवीन कॉन्फ्रेंस के, उन ज़िम्मेदारों से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया। लाइफस्टाइल डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी मौसमपुल मालेगांव, प्रोफेशनल एंड बेस्ट क्वालिटी वर्क, आपके डिजिटल लाइफ के साथ हम लाइफस्टाइल डिजिटल। तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है हमारे दिल्ली से जो है हमने कुछ दवाइयाँ किराना कुछ नगद रकम जो है हम लोगों ने वहाँ भेजा है, तो मैंने उनसे कहा कि हम भी चाहते हैं कि कुछ यहाँ से हम मेडिसिन वगैरह जो इमरजेंसी की मेडिसिन है वो हम भेजना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमने उनसे वहाँ का एड्रेस तलब किया और जो मेडिसिन लगने वाली है, जो ज़रूरत की मेडिसिन है, तो उन्होंने सीरिया के लेटर पेड पर जो उनको मिला हुआ था वो मेडिसिन की लिस्ट हमें भेजे, और वो लिस्ट के तहत जो है हम लोग मशवरा करके मालेगांव में जो है ज़िला मालेगांव में ऑल इंडिया मुवीन कॉन्फ्रेंस के जो ज़िम्मेदार हैं कौमी सेक्रेटरी प्रोफेसर अब्दुल हफीज साहब को सारी बातें बताया मैंने कि हमें ऐसे ऐसा काम करना है, तो उन्होंने इजाज़त दी कि ठीक है हम ये काम करेंगे, दवाइयाँ जमा करेंगे इंशाल्लाह। और दवाइयाँ जो है तो काफ़ी मकदार में जमा हुई, दवाइयाँ जो है तो मालेगांव और आउटर के जो हमारे बिरादरान वतन है जो डॉक्टर हजरात हैं उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयाँ काफ़ी दी है, और दवाइयाँ जमा करने का मसला आया तो हम लोगों ने जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर शफीक साहब और फारूक फिरदौसी साहब से हम लोगों ने रब्ता किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें जो है तो ये शॉपिंग सेंटर जो है यहाँ पे मालेगांव का सेंटर होने की वजह से जो है उन्होंने हमें इजाज़त दी और हम जो है यहाँ पर सारी दवाइयाँ इकट्ठा किए। हम जो है तो ऑल इंडिया मुवीन कॉन्फ्रेंस नासिक की तरफ से जो है जिन्होंने दवाइयाँ दी है, जो दवाइयाँ लाए हैं, जिन्होंने हर तरह जो भी तरह की कोशिश की है, हम जो है उनके शुक्रगुजार हैं। और ये दवाइयाँ जो है तो अभी इंशाल्लाह पैकिंग करके आज शाम में जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट या कुरियर के ज़रिए जो है तो सीरिया एम्बेसी में ये दवाइयाँ हम लोग इंशाल्लाह भेज देंगे। ये दवाइयाँ किस तरह की, कितनी दवाइयाँ? ये दवाइयाँ जो है इमरजेंसी मेडिसिन है, ये इसमें जो है तो ओरल मेडिसिन कुछ भी नहीं है, टोटल इंजेक्टेबल है, और कुछ आईवी है, और अपने कॉटन है, स्काल्प है, ग्लोव है, इसके अलावा सारे इंजेक्शन है, इसमें टैबलेट वगैरह कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैन शकर तुम ला अजीदन्नकुम वला इन कफर तुम इन अज़ाब ला शदीद। अल्लाह ताला का बेफना फजल और करम है कि अल्लाह ताला की मदद और तौफीक से प्रोफेसर अब्दुल हफीज़ अंसारी साहब की सरपरस्ती डॉक्टर अखलाक अहमद साहब की क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुवीन कॉन्फ्रेंस जो तुर्की शाम के लिए जो मेडिसिन जमा करना थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लिस्ट वायरल कर दी, और वायरल करने के बाद हमने पैगाम लोगों को दिया और अल्हम्दुलिल्लाह लोग ने ख़ुद फ़ोन करके हम लोगों के ऊपर एतमाद और भरोसा करते हुए हम लोगों को ये मेडिसिन फराहम की है, जिस पर हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की मदद और तौफीक से ये हमारा ये मेडिसिन का प्रोग्राम पाए तकमील तक के पहुंच रहा है। इसी के साथ उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने एतमाद और भरोसा करते हुए ये मेडिसिन जो ज़रूरी है वहाँ लगने वाली है तुर्की और शाम के लिए, इसी के साथ हमारे डॉक्टर शफीक अहमद अंसारी फारूक फिरदौसी साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने जगह फराहम की। इसी के साथ हमारे जितने साथी है आज कौमी ऑल इंडिया मुवीन कॉन्फ्रेंस की तरफ से मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने वक्तों को आगे पीछे करते हुए आप तशरीफ़ लाए, और उम्मीद करते हैं कि हमारी तंजीम जब आप लोगों को दावत देगी लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुवीन कॉन्फ्रेंस के कौमी सेक्रेटरी होने की वजह से डॉक्टर अखलाक अहमद अंसारी ने, जो नासिक सिटी के ऑल इंडिया मुवीन कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उन्होंने दवाओं के सिलसिले में इमरान अंसारी जो बम्बई दिल्ली ऑल इंडिया मुवीन कॉन्फ्रेंस के सदर हैं उनसे रब्ता किया, और रब्ता करने के बाद ये हुआ कि भाई हमें कुछ दवाओं की ज़रूरत है सीरिया के लिए,
और सीरिया और तुर्की के लिए। उस बुनियाद पर उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा ठीक है आप अपने साथियों के साथ, ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पर मौजूद अखलाक अहमद फजलुर्रहमान अंसारी जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस मालेगांव के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मौलाना सुफियान जमाली साहब ये भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, अरशद पठान साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, इम्तियाज़ इंजीनियर साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और दूसरे हमारे मेम्बरान हिफ्ज़ुर्रहमान वफ़ा हैं, सलीम मलिक हैं, और शाहिद सर हैं, और हमदर्दान में अतीक छोड़े वाला वगैरह हैं, अयूब साहब हैं, दस्तगीर साहब, फैयाज़ अनवर, फैयाज़ अनमोल वगैरह, काफ़ी लोग इसमें साथ में थे।